मैं आज आप लोगों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 30 रुपए में और सिर्फ 10 मिनट में मिनी लच्छा पराठा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी और कम खर्चे में बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है और इसमें 3 पराठे बनकर आपके तैयार हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं, जहाँ भी रहें शादो आबाद रहें, हैप्पी और हेल्दी रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने एक बॉल लिया, इसमें मैंने 1 कप मैदा मेजरमेंट कप से डाला है, आप चाहे तो किसी भी कप से ले सकते हैं। मैंने ये थोड़ा सा नमक डाला जितना मैदा उस लिहाज से, और 1 चमचा जो है पिसी हुई चीनी मैं लूँगी वो भी डालूँगी। ये देखें, मैंने ये 1 चमचा चीनी लिया है और उसके साथ ही मैं 1 चमचा घी लूँगी, जिसको मैं पिघला लूँगी, या आपके पास घी है तो घी ले लें या ऑयल है तो ऑयल ले लें। इसको डालने के बाद मैं अच्छे तरीके से इन तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद नॉर्मल जो ठंडा पानी होता है उससे मैं इसको गूंद कर इसका डो बना लूँगी। डो बनाने के बाद जो है, ये देखें, इस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। और डो बनाने के बाद आप चाहें तो इसको 2-3 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दें, या चाहे तो इसी तरह डायरेक्ट, मैं टाइम की बचत की वजह कर मैं इसको रेस्ट पे छोड़ने के बजाय मैं ऐसे ही डायरेक्ट बना रही हूँ। इसके मैं 3 पीसेस करूँगी इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके 3 पीस कर दिए और इतनी जल्दी बनने वाली, यकीन मानिए, ये रेसिपी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये 3 पराठे बन करके इस तरह से तैयार हो जाएंगे। ये मैंने एक तरफ एक छोटी प्याली में 2 चमचा जो है घी पिघला कर रखा था और उसमें 1 चमचा मैंने मैदा डाला, जिसका मैंने ये लिक्विड बनाया, जो कि मैंने इस एक पेड़े को लेकर अच्छी तरीके से काउंटर पे जो है इसको बेल लिया। काफ़ी बड़ा बेल लें, छोटा बेल, लेकिन काफ़ी बड़ा बेलें तो ज़्यादा अच्छा। और ये जो मैंने लिक्विड बनाया था इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया और थोड़ा सा मैदा मैंने छिड़क लिया। और इस तरह से आपने, जिस तरह से मैंने शुरू से फोल्ड किया, इसी तरह से आपने इसको फोल्ड करते जाना है। ये देखें लेयर किस तरह से बनती जा रही है, इस तरह से लेयर अच्छी खासी इसकी बन गई है। और इसको थोड़ा सा हाथ से ऑयल लगा के थोड़ा और लंबा कर लेंगे। इस तरह से लंबा करने के बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, जिस तरह से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, इसी तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद आप चाहें तो इसको हाथ में ऑयल लगाकर इसी तरह से इसको हाथ से फैला लें। मैं इसको हाथ से फैला कर ही, मुझे जिस साइज़ का चाहिए मैं वैसा बना लूँगी। आप चाहें तो थोड़ा मैदा छिड़क कर जो है इसको हल्के हाथों से बेलन से भी बेल सकते हैं, अपने हिसाब से जितना बड़ा आपको साइज़ चाहिए। इस तरह से मैं हाथ में ऑयल लगा के इसको फैलाती जाऊंगी जितना बड़ा है मुझे चाहिए। ये देखें, मुझे इतना बड़ा बनाना था। और ये मिनी लच्छा पराठे की रेसिपी है और ये रेसिपी जो है आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। इसको चाय के साथ खाएंगे। मैंने इसको तवे पे डाल दिया है और इसको डालने के बाद जो है आप इसको घी और ऑयल दोनों से बना सकते हैं। मैंने इसको घी में बनाया है और ये देखें, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या अल्लाह की शान है कि हमारा मिनी लच्छा पराठा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखें इस तरह से इसकी सारी जो है ना लच्छे कैसे खुल रहे हैं, कैसे अलग हो रहे हैं और कितना ये क्रिस्पी बना है। इसको बस चाय में डुबोएं और खाएं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना बेहतरीन लुक आया है और कितने कम खर्चे में 3 पराठा इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों को मेरी ये मिनी लच्छा पराठा की रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। जहाँ भी रहें खुश रहें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।